साथियों, समाधान न्यूज चैनल के साथ में विकास यादव आप लोगों को फिर से ग्राउंड रिपोर्ट पे लिए चलते हैं गेंद्रू पंचायत, जहां से आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके से आज उप स्वास्थ्य केंद्र गेंद्रू की हालत हो रखी है। और सबसे पहले आप हालत देख लें, उसके बाद ही हम लोग बात करेंगे। तो आइए और देखिए, हम लोगों के पीछे ये गेंद्रू का उप स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ पे ग्रामीणों के लिए सुविधाएं दी जाती है, कुछ कुछ सुविधाएं। ये बाहर से आप दिखाइए इनको, और नीचे तो चलने के लिए नीचे भी गंदगी पड़ी हुई है, गंदगी तो पूछिए मत। और इधर आइए और जरा दिखाइए ये खंडहर, ये जो गेंद्रू पंचायत है उसमें ये पड़ता है उप स्वास्थ्य केंद्र। और रूम भी दिखा सकते हैं, टूटे हुए सारे छत हैं, गिरे हुए मकान, और ऊपर से भी जो ये छत है, ऊपर से वो आप देखिए टूट चुका है, खिड़कियां भी टूटी हुई हैं, इधर पीछे गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है। और इस ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र है ये एक तरीके से ये जो है सिर्फ तबेला बन चुका है, तबेला, इसको आप तबेला कहेंगे, क्योंकि ये जो तबेला इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है सो ये पुआल रखा जाता है। ये देखिए पुआल रखा हुआ है यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र में। और कुल मिलाकर यही हालत है उप स्वास्थ्य केंद्र की, उप स्वास्थ्य केंद्र की यही हालत है। तो कुल मिलाकर यही बात है। और यहाँ पे कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं, हम जानना चाहेंगे कि ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र है ये कितने दिनों से यहाँ पे आप देख रहे हैं उप स्वास्थ्य केंद्र को। मेरे ख्याल से आज तक तो इसी हालत में है, जब से हम देखे हैं तब से इसी हालत में है जी। आप कभी यहाँ NM या फिर डॉक्टर को देखे हैं कभी? नहीं, अभी तक तो यहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं आए हुए हैं, और ना बैठे हुए हैं, ना किसी का इलाज हुआ यहाँ से, कभी नहीं हुआ। अच्छा, तो आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोहर साहू। अच्छा मनोहर जी, एक बात और बताइए कि जैसे जो आपका ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, यहाँ से जो स्वास्थ्य केंद्र है आपका, वो कितने किलोमीटर की दूरी पर है? यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो 15 किलोमीटर की दूरी पर है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए जो डिलीवरी महिलाएं होती हैं, उन लोगों को जाने में किस तरीके की कठिनाइयों का सामना करना? उन लोग को जैसे कि हम लोग बाइक के द्वारा, जिसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, उसी के द्वारा हम लोग ले जाते हैं इसके बाद से वहाँ, और नहीं तो ऑटो के जरिए। अच्छा, ऑटो के जरिए, यानी कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है आपको ले जाने के लिए। तो ये थे यहाँ के, क्या नाम है आपका? अजय कुमार साहब जी। अच्छा अजय जी, आप बताएं कि ये जो जैसे ग्रामीणों को अगर सहूलियत होती है उप स्वास्थ्य केंद्र होने से, तो ऐसे में अभी अगर इस तरीके का हालात अगर उप स्वास्थ्य केंद्र का है, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? यानी कि डॉक्टर यदि रहते तो अच्छा होता हम लोग को जी, और बहुत ज़्यादा सुविधा होता जी, तो चलिए। और आप कुछ कर? ये गेंद्रू पंचायत के उप स्वास्थ्य केंद्र के बारे में आपको क्या जानकारी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उप स्वास्थ्य केंद्र के बारे में? जानकारी यही है, गेंद्रू पंचायत के ग्राम साठी बाद में जो स्वास्थ्य केंद्र 10 वर्षों से बंद पड़ा हुआ है, ना इसमें कोई NM है, कभी नहीं इसका। अच्छा, इससे किस तरीके का कठिनाई का सामना करना पड़ता है ग्रामीणों को? काफ़ी परेशानी है, यहाँ से बेंगाबाद 15 किलोमीटर की दूरी में है जी, ना गाड़ी की सुविधा है जी, बहुत काफ़ी परेशानी होता है लोगों को आने जाने में जी। यही सब समस्या है आपका? मेरा नाम है रामकिशोर मंडल। रामकिशोर मंडल जी। तो स्वास्थ्य केंद्र के बारे में आप बताएंगे, गेंद्रू पंचायत के उप स्वास्थ्य केंद्र के बारे में? जब से मेरा होश हुआ है तो सुनने में आया है कि साठीवाद में उप स्वास्थ्य केंद्र बना है जी, लेकिन अभी तक यहाँ पे वैसा कुछ डॉक्टर वगैरह, मतलब सिर्फ बिल्डिंग बना लेकिन उसमें कोई काम नहीं हुआ, ना डॉक्टर बैठे ना NMI। यही कहना चाहते हैं आप? और भी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं गवर्नमेंट को या फिर पदाधिकारी को? जैसे कि मान लिया यहाँ पे जैसे बना है उप स्वास्थ्य केंद्र जी, तो जैसे मान लिया इसमें आना चाहिए NM डॉक्टर, ताकि यहाँ की जनता को सारा फैसिलिटी मिले जो मिलना चाहिए जी, और मैं क्या कहूँ। चलिए, तो ये सभी ग्रामीण थे जिन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा और अपना अपना सुझाव भी दिया, और सरकार को भी इसमें पहल करने की ज़रूरत है। इससे पहले भी मैंने कहा है कि इससे कहीं ना कहीं
ग्रामीणों को काफ़ी सहूलियत होगा। मैं विकास यादव, समाधान न्यूज़ चैनल के साथ। जी, बेंगाबाद प्रखंड में अभी जो स्वास्थ्य उप केंद्र हैं, कुल कितने उप स्वास्थ्य केंद्र हैं? 12 उप स्वास्थ्य केंद्र की अभी क्या हालत है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहेंगे? उप स्वास्थ्य केंद्र में बहुत से स्थिति है, सब भवन की अच्छी नहीं है उतनी जी, बहुत से भवन जर्जर स्थिति में है जी, मन एनएम को बैठने उठने में व्यवस्था बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जी, बहुत सा क्षतिग्रस्त है जी। इसके लिए विभागीय क्या पहल किया गया है विभाग की ओर से? विभाग की ओर से हमेशा इसके नोटिफिकेशन होते रहते, जारी की जाती है, इसके जानकारी 2-4 दिन पहले भी फिर दी गई थी जी। लेकिन क्या इसमें क्या लगता है, कब तक इसमें पहल हो पाएगा? अब तो हम लोग जो भी कहते विभागीय हो सकता है ना, जो भी हो सकता है, हम लोग तो अपना जो है नोटिफिकेशन दे ही दे रहे हैं, अब वहाँ से जो सिस्टम से किया जाएगा तो हो चुका। अच्छा, डॉक्टरों की जो समय सारणी है उसके अनुसार क्या डॉक्टर समय पे उप स्वास्थ्य केंद्र का दौरा करते हैं? स्वास्थ्य उप केंद्र में रोस्टर के अनुसार से, जिधर रोस्टर है, रोस्टर बनी हुई है सबके स्वास्थ्य उप केंद्र वाइज जी, तो अपने क्षेत्र भ्रमण वो अपने हिसाब से जो जिस दिन उनका अपना रोस्टर होगा वो जाते हैं करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, हम जानना चाहेंगे कि बेंगाबाद प्रखंड के अंतर्गत जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं उसकी क्या हालत है सर अभी, और किस तरीके से काम कर रही है? देखिए, उप स्वास्थ्य केंद्र अभी बहुत सारा है जो कि बिल्कुल ही खंडहर की स्थिति में है, भवन उनका टूट गया है जी, और संसाधन की वहाँ घोर कमी है जी, और बहुत सारा जगह है स्वास्थ्य उप केंद्र में जहाँ की पानी और बिजली नहीं है जी, तो जिस कारण से वहाँ हमें सेवा देने में काफ़ी कठिनाई होती है सर। तो इसके लिए कोई विभागीय पहल किया गया है आपके द्वारा? विभाग के द्वारा हम लोगों ने इसके लिए अपने से वरीय पदाधिकारी को लिखित में सूचना दिया है जी, और उम्मीद करते हैं कि विभाग के द्वारा कुछ पहल करते हुए निर्माण कराया जाएगा जी, भवन पाली पानी बिजली इन सब की सुविधा वहाँ मुहैया कराई जाएगी जी, और चाहते हैं कि वहाँ जैसे ANM अगर वहाँ रहना चाहे तो उन्हें उनकी सुविधा होनी चाहिए, सुविधा हो और सिक्योरिटी भी कुछ रहे जी।